भारत को उकसाने की कोशिशों से बाज क्यों नहीं आ रहा है चीन? उत्तराखंड सीमा पर चीनी सेना की गुस्ताखी को भारत का मुंह तोड़ जवाब। एक और जहां डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है, वहीं अब चीनी सेना ने उत्तराखंड से लगी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। खबर के मुताबिक चीनी सेना ने उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती इलाके में घुसपैठ की है। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के जवान करीब 500 मीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए और 2 घंटे के बाद वापस चले गए। ये घटना 25 जुलाई की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक भारतीय सीमा में घुसने के बाद चीनी सेना ने भारतीय चरवाहों को वापस जाने को कहा, लेकिन जैसे ही भारतीय जवान मौके पर पहुंचे और उसकी हरकत का विरोध किया, चीनी सेना वापस लौटने को मजबूर हो गई। दरअसल उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा का करीब 350 किलोमीटर हिस्सा लगता है। इससे पहले भी यहां कई बार चीनी घुसपैठ की खबरें आ चुकी है। पिछले साल भी जुलाई के महीने में इसी प्रकार के घुसपैठ की खबर सामने आई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चीनी सेना की यह हरकत उस वक्त सामने आई जब ठीक एक दिन बाद भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष यांग जेची से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। जाहिर है सिक्किम के डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले करीब 1.5 महीने से तनाव का माहौल है। ऐसे में चीनी सेना की इस घुसपैठ से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।